अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी। हम में से अक्सर लोग हमारे इर्द गिर्द आप जब भी देखेंगे तो लोग एक ही सोच में पड़े रहते हैं, बेशक वो वर्क प्लेस हो, बेशक वो घर हो, बेशक वो दोस्त हो, बेशक वो फैमिली हो। हमारी परेशानियां बहुत ही मुख्तलिफ हैं। दुनिया की परेशानियां ये हैं कि वो आगे नहीं बढ़ रहे, हमारी परेशानियां ये हैं कि हमारे खिलाफ सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, लॉबिंग हो रही है। आप देखें, हमें से अक्सर लोग यही बात सोचते रहते हैं कि मेरे खिलाफ बात हो रही होगी, लोग मेरे खिलाफ सियासत कर रहे हैं, लेग पुलिंग हो रही है। अल्टीमेटली होता क्या है? होता एक ही चीज है, आपकी जात के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है, और जब आपकी जात के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होती है तो फिर आप ना परफॉर्म कर सकते हैं, पुअर परफॉर्मर बन जाते हैं, लो परफॉर्मर बन जाते हैं, और दूसरी तरफ आपकी प्रोडक्टिविटी भी खराब हो जाती है। आप एक अच्छे एम्प्लॉई से बुरे एम्प्लॉई बन जाते हैं, आप एक अच्छे इंसान से बुरे इंसान बन जाते हैं, क्योंकि आपके जहन में हर वक्त नेगेटिविटी रहती है, नेगेटिव सोच आपको घेरे रखती है और आप कोई भी पॉजिटिव बात नहीं सोच पाते। तो हमारी आज की डिस्कशन ये है कि कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, पॉजिटिविटी कैसे आपको अट्रैक्ट कर सकती है, कैसे आपकी पर्सनालिटी का इनबिल्ट पार्ट बन सकती है, और ये बहुत ही आसान है। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन जानिए, ये आपकी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन होगा। तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिविटी के हवाले से, तो कैसे पॉजिटिविटी अपने अंदर रखी जाए डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है। तो सबसे पहली चीज जो कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए करनी है, वो इस बात का बिलीव है, इस बात के ऊपर यकीन है कि एवरीवन एल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द फैमिली, इन द फ्रेंड सर्कल इज ऑन योर साइड। सारे लोग आपके साथ हैं, आपके मुखालिफ कोई भी नहीं है। इस बात के ऊपर आपने यकीन कर लेना है, अपने आप को यकीन दिलाएं कि लोग मेरे खिलाफ नहीं हैं, लोग मेरे खिलाफ सियासत नहीं कर रहे हैं, आपके खिलाफ लॉबिंग नहीं हो रही है। अगर आप इस बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं तो आपकी मंजिल यहां नहीं है, आपकी मंजिल यहां है। यू कैन गो एज फार एज यू कैन थिंक। दूसरी चीज, सेकेंड चीज जिसके ऊपर आप पॉजिटिव रह सकते हैं, जिसके थ्रू आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी का इनबिल्ट पार्ट बना सकते हैं, अपने डीएनए का पार्ट बना सकते हैं, वो चीज बहुत ही सिंपल डूएबल, वो है अज्यूम करना छोड़ दें। किस बात को अज्यूम करना है? कि मैं अगर उस मीटिंग में नहीं था तो जरूर मेरे खिलाफ बात हो रही होगी। आज मैं दोस्तों के साथ सैर पे नहीं गया तो जरूर वो मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे होंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, अज्यूम करना छोड़ दें। देखें, आप अज्यूम कर लेंगे, नेगेटिविटी क्रिएट होगी, डिस्ट्रॉय कौन होगा? वो लोग जो आपके खिलाफ सियासत कर रहे हैं, वो लोग जो आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, या आप होंगे डिस्ट्रॉय? ये बात जहन में रखें, ये सारी डिस्ट्रक्शन आपके साथ होगी, नेगेटिविटी का शिकार आप होंगे। क्या आप ये चाहते हैं? कोई भी नहीं है चाहता, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू स्टे पॉजिटिव। द वर्ड पॉजिटिविटी हैज पावर, पैशन इनसाइड इट, और आप चाहते हैं कि आप पैशनेट रहें, पॉजिटिव रहें। तो क्या तरीकेकार? बिलीव कर लें लोग आपके साथ हैं, और अज्यूम करना छोड़ दें। याद रखें, जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं उनको एक और काम भी
मजीद पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आ सकता है, और वो है उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, उनके दोस्त, उनके ऑफिस कोलीग्स। मैं अपनी वीडियोस में अक्सर इस बात का तस्करा जरूर करता हूं कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का आपकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ही हैवी इंपैक्ट होता है। तो पॉजिटिव लोगों को अपने इर्द गिर्द रखिए, वो लोग जो आपकी लाइफ में पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करें, वो लोग जो कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट देकर जाएं, वो लोग जो आपको पॉजिटिव फीडबैक देकर जाएं, अल्टीमेटली आप भी पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, आप भी पॉजिटिव रहेंगे, और इसका इंपैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, परफॉर्मेंस, हर चीज के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी जिनके साथ है, वो शहद की मक्खी की मानिंद है जो खुद ब खुद फूल तलाश कर लेती है, खुद ब खुद तलाश करती है कि मुझे किस फूल से रस मिलना है। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको रास्ते भी क्लियर मिलेंगे, आपको मंजिलें भी आसान मिलेंगी, और आप दूसरों के लिए भी खैर का सबब बन सकेंगे।